हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं अंजलि ब्लॉगन जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, बहुत ही आसान तरीके से बनाने का और बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रीमी क्रीमी और रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। तो देखिए, आ रहा है ना मुँह में पानी से देख के, देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही घर के सामान से ही बन जाएगी। क्रीम डालना चाहते हो तो डाल लेना, अदरवाइज़ घर की मलाई को ही फेंट के उससे भी काम चल जाएगा। तो वैसे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने दाल मखनी बनाई है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इतनी बढ़िया यमी दाल खा सकें बनाकर। कितनी बढ़िया लग रही है ना यमी यमी दाल। और इसके साथ बना लीजिए लच्छा पराठा या नान बना लीजिए, तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं, चावल भी खाए जा सकते हैं, फुलके भी खाए जा सकते हैं, जो मर्जी खाइए। इसके साथ बहुत ही यमी डिलीशियस है दाल। तो अपना दाल घर पे बना लो, बाज़ार से नान मंगा लो, या फिर नान भी घर पे बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं बहुत सारी। लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सुपर यमी दाल बनी है ना, एकदम टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं इसे बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। बहुत आसान है। क्या करना है कि एक भाग हमें लेने हैं राजमा, एक भाग लेना है चने की उड़द की दाल, जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल एक भाग, एक भाग राजमा, और दो भाग हमें लेनी है काली वाली उड़द की दाल जो साबुत होती है। ठीक है, 1 1 2, एक भाग राजमा, एक भाग चने की दाल और दो भाग उड़द की दाल साबुत। उसे अच्छे से वॉश करके ना, 4-5 बार सारी चीज़ों को मैंने मिला के अच्छे से वॉश करके, और यहाँ पे मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए सोक कर दिया था। और उसके बाद इसका पानी हम फेंक देंगे। और देखिए इस तरीके से मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ और इससे 2 से 3 गुना पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 3 गुना समझ लीजिए। और उसके बाद इसमें डालेंगे 2-3 तेज़पात, थोड़े खड़े मसाले, बड़ी इलायची है, 4-8-7 काली मिर्च हैं, 2-4 लौंग हैं, और एक ये है स्टार अनीस। ठीक है, और ये बड़ी इलायची को इस तरीके से खोल के डाल देंगे। तो हम कुक होने में ही डाल देंगे, ताकि ये भी सब अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाए हमारे इसमें। 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसे ऐसे बारीक बारीक काट के डाल देंगे, चाहे तो कूट के डाल सकते हैं या पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पेस्ट नहीं था, मैंने फ्रेश इसी तरीके से बारीक बारीक काट के डाल दिया। ठीक है, और हरी मिर्च भी ऐसे ही काट के डाल दी। और बस 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर नमक, 1 से 2 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है बनने में ही, और थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास हल्दी डाल दी है। ये कुछ मेथी के दाने हैं, बिल्कुल कुछ 15-20 दाने होंगे, और ये डाल देंगे। ठीक है, मेथी से ज़रा अच्छा बढ़िया रहता है। और बंद करके लो फ्लेम पे मैंने इसे 5 से 7 सीटी लगा ली हैं, 5 से 6 सीटी लगा लीजिए लो फ्लेम पर। और देखिए इस तरीके की दाल हमारी हो जाती है। देखिए बिल्कुल गल चुकी है, मैश हो चुकी है एकदम। इसे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना इसका जो है अच्छे से गल चुका है। ठीक है, बस हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे, तो पोटैटो मैचर हो या हैंड ब्लेंडर हो आपके पास, उससे आप इसे कर सकते हो। तो मेरे पास पोटैटो मैचर है, मैं इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो राजमा है, चने की दाल है और ये उड़द की दाल अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए, मैशी हो जाए। ठीक है ना, दाना दाना ना दिखाई दे, क्योंकि जो बाज़ार वाली दाल होती है ना मखनी, उसमें हमें दाना नहीं दिखाई देता, सारी दालें अच्छे से मैश हुई हुई होती हैं, कहीं कहीं उड़द की दाल का दाना हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैंने इसे मैश कर लिया है 2-4 मिनट। तो देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर हमारी दाल का हो गया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, और सारी दाल हमारी गल भी चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, देखिए 1/2 किलो दूध है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म गर्म ही। ठीक है, तो इसे ठंडा दूध ना डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है दाल गर्म होती है, दूध ठंडा तो फट जाता है दूध। ठीक है, गरम करके ही आप इसमें दूध डालें, अच्छे से मिक्स कर दें, और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे अपना पकने दें। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, अच्छे से पकाना है, कम से कम 15-20 मिनट। देखिए दूध अच्छे से पकेगा, क्रीमीनेस आएगी दाल की। एक तरफ इसे रख देंगे, एक तरफ बनाएंगे इसका हम बढ़िया सा मसाला। तो यहाँ 4-5 टमाटर हैं जिसे मैंने इस तरीके से ग्राइंडर में डाल दिया है, और यहाँ पर बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लिया। इसके बाद हमने डाला है कढ़ाई में 3-4 चम्मच देसी घी, देसी घी में ही बनाना ये दाल, तभी बढ़िया लगेगी। 1 चम्मच जीरा डाल दिया, और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी है, चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टमाटर का
पेस्ट, इसे अच्छे से पकाना है हल्का सा नमक डाल के, जब तक कि ये मसाला हमारा जो है ऑयल ना छोड़ दे, ठीक है, घी ना छोड़ दे। एक चम्मच कसूरी मेथी है, एक से डेढ़ चम्मच, उसे भी ऐसे क्रश करके इसमें डाल देंगे और इसे बढ़िया करके हमें इसे मसाला इसका ऐसे बनाना है कि ये जो मसाला है ना टमाटर अच्छे से पक जाए और वो चारों तरफ ऑयल छोड़ दे, ठीक है। इतना पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ आधी चम्मच, थोड़ा ज़रा टमाटर में भी अच्छा कलर आ जाएगा और दाल में भी अच्छा कलर आ जाएगा, आधी चम्मच लाल मिर्च और डाल रही हूँ उसके अंदर। तो बस इसको बढ़िया से हमने पका लिया, देखिए इतना पकाना है, ये देखिए घी बिल्कुल अलग हो गया है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो यहाँ पे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा, तो उससे कलर और बढ़िया रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे इससे भी काम चल गया था, देखिए इस तरीके का हमारा कलर आ गया। और बस हमें क्या करना है, अब इसे हमें देखिए इतना मसाला हमें भूनना है, टमाटर कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सारे मसाले को ऐड कर देंगे दाल के अंदर, देखिए बढ़िया करके ना, मैंने इस कढ़ाई को भी धो के इस तरीके से दाल इसमें उलट पलट करके और कुकर में ही डाल दी है ताकि सारा मसाला हमारा कुकर में आ जाए, देखिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये देखिए है ना, इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए दोबारा से लो फ्लेम पे कुक करेंगे बिल्कुल बढ़िया करके, देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी है हमारी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। 10 मिनट बाद इस तरीके से ढक देंगे इसे थोड़ा और कुक कर लेंगे। देखिए दाल हो गई है रेडी, कितनी बढ़िया हो गई है, एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है इसका और एक एक दाना गला हुआ है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। यहाँ ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर बटर और क्रीम डाल लेंगे ऊपर से, अगर क्रीम नहीं डालना चाहते हो तो घर की मलाई को ही अच्छे से फेंट लेना और वो डाल सकते हैं, फ्रेश होनी चाहिए मलाई बिल्कुल, ठीक है, रखी भी ना हो, खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डालकर टेस्ट ख़राब कर देगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दी इसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश क्रीम है, जितनी मर्ज़ी डालिए बटर, जितना मर्ज़ी डालिए, बहुत ही यमी और सुपर्ब दाल है, ज़रूर बनाइएगा घर पे और बहुत ही मज़ा आएगा सबको खाने में, घर फ्रेंड्स और फैमिली सब खुश हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, बहुत बढ़िया बनेगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना कि बस इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, इसको छोड़ना नहीं है दाल को कि आप छोड़ के इसे और दूसरी जगह कुछ काम कर रहे हो, दाल जल जाएगी, इसको लगातार बीच बीच में चलाते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो दूध बहुत जल्दी लगने लगता है नीचे और उड़द की दाल भी बहुत जल्दी लगने लगती है, तो बस इसी बात का ध्यान रखना। और बाकी नमक मिर्ची मसाले अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो बनाइएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया रेसिपी है। घर पे रेस्टोरेंट के मज़े लेने हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।